गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 मैथल साक्षी फ्रॉम रिडेन पब्लिक स्कूल. टुडे इज योर इंग्लिश क्लास, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, इन अ प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन लेसन नंबर 2. हमने लेसन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ा था, समझा था. टुडे इन दिस क्लास आई एक्सप्लेन ऑफ दिस बुक वर्क, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए. फर्स्ट इज द प्रिंस ट्रैवल ऑल ओवर द टू फाइंड रियल प्रिंसेस. प्रिंस ने यात्रा की प्रिंसेस को ढूंढने में, तो कहाँ यात्रा करी थी उसने? पूरी दुनिया में. तो ये आंसर इज वर्ल्ड. द सेकेंड इज द रेन पाउंड डाउन इन. जो बारिश का पानी था वो कहाँ गिरा था? टोरेंट में. द आंसर इज टोरेंट. द थर्ड इज द ओल्ड क्वीन लैंड is on the bottom. जो पुरानी रानी थी वो कहाँ लेटी थी? पी के नीचे. Fourth is the prince slept very. The princess जो थी, जो राजकुमारी थी, उसको कैसी नींद आई थी? Badly. The second question is oral speaking skill one word answer. यहाँ पे मौखिक क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें एक वर्ड में इसका आंसर देना है. तो द फर्स्ट इज हु वांट टू मैरी अ रियल प्रिंसेस. सचमुच की राजकुमारी से कौन शादी करना चाहता था? तो आंसर इज प्रिंस. सेकंड इज हु वेंट टू ओपन द गेट. महल का दरवाजा किसने खोला था? तो आंसर इज ओल्ड मेड ने. The third is who was standing in front of the gate. The answer is princess. महल के आगे, दरवाजे के आगे कौन खड़ा था? तो princess खड़ी थी. Name any one starting from P. हमें एक word बताना है जो P से start होता है. The answer is P. P E A P. P means होता है मटर का दाना. Who had she slept? कौन सोया था? तो prince सोई थी, princess सोई थी. द आंसर इज प्रिंसेस. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द मिसिंग वर्ड. हमें खोए हुए वर्ड्स को क्या करना है? मिसिंग वर्ड है, उन्हें फिल करना है. तो शी वुड हैव टू बी अ रियल. वह सचमुच की क्या थी? प्रिंसेस थी. देयर वॉज ऑलवेज अबाउट देम. वह हमेशा क्या रहते थे? कन्फ्यूज, यानी हमेशा असमंजन में रहते थे. द थर्ड इज वन इवनिंग अ ट्रिबल कम ऑन. एक शाम को क्या 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 आया था? तो तूफान आया था, तो स्ट्रॉम. द फोर्थ इज ऑन दिस द हैड टू लाई ऑन नाइट. राजकुमारी को क्या करना पड़ा था? सारी रात झूठ बोलना पड़ा था. तो क्या होगा? प्रिंसेस. द सेकेंड इज राइट ट्रू और फॉल्स. द प्रिंस फाउंड द रियल प्रिंसेस एट लास्ट. आखिरकार प्रिंस ने प्रिंसेस को ढूंढ लिया. तो आंसर इज ट्रू. द ओल्ड क्वीन बट एन एप्पल सेंड अंडर द बेडिंग. बिस्तर के नीचे एप्पल को रखा गया था ओल्ड क्वीन ने? नो. द आंसर इज फॉल्स. थर्ड इज द प्रिंस ओपन द गेट. क्या प्रिंसेस ने दरवाजा खोला था? प्रिंस ने दरवाजा खोला था? तो आंसर इज नो, फॉल्स. Fourth is the princess got black and blue all night. उसे काले और नीले उसके पूरे बॉडी में धब्बे हो गए थे. तो आंसर इज येस, ट्रू. द ओल्ड क्वीन वेंट इन टू द पैलेस. तो द ओल्ड क्वीन नहीं गई थी, कौन गया था? प्रिंसेस गई थी. आंसर इज फॉल्स.